नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी रसोई में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेहद स्वादिष्ट दम आलू की रेसिपी। वैसे तो अभी सर्दियों का मौसम है, मार्केट में बहुत सारी हरी भरी सब्जियाँ मिल रही हैं जो हमारे सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन कभी कभी स्वाद को बदलने के लिए या फिर जब आपको तीखा चटपटा सब्जी खाने की इच्छा हो तो इसके लिए यह दम आलू की रेसिपी एकदम परफेक्ट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, यदि पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। आइए इसे अब हम बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 10 से 12 आलू ले लिया है। हमें आलू को कट करके नहीं लेना, समूचा गोल आलू की सब्जी बनेगी। इसे मैंने चम्मच से छील के अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। साथ ही हम लेंगे 4 मीडियम साइज के प्याज जिसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है, आधा शिमला मिर्च, 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, थोड़ा सा धनिया पत्ता, लहसुन अदरक और हरी मिर्च जिसे हम दरदरा कूट लेंगे, और साथ ही प्याज को भी हम हल्का सा क्रश कर लेंगे। मसालों में मैंने लिया है 2 चम्मच मिक्स मसाले, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गोल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा, साथ ही आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, यदि आपको तीखा और बनाना है तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का भी आप यूज कर सकते हैं। आलूओं में सबसे पहले हम इस तरह से एक फॉर्क से छेद कर लेंगे ताकि ये अच्छा से पक जाए और रस भी इसके अंदर तक चला जाए। यदि हम ऐसे छेद नहीं करेंगे तो ये उबले हुए आलू की तरह लगेगा। सारे आलू में मैंने छेद कर दिया है। अब गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच तेल। तेल गर्म होने पर आलूओं को उसमें डाल देंगे। ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा तेल में ही आलू अच्छा से फ्राई हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पर हल्का सा कलर चेंज होने तक हम आलूओं को फ्राई करेंगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आलू फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा तेल बच गया है। इसी में हम 2 और बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और गर्म होने पर उसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और 1 तेज़पत्ता जिसे हम 2 पीस तोड़ के डालेंगे। हल्का सा इसे भून लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे क्रश किए हुए प्याज के टुकड़े। मैंने बताया था ना कि प्याज को हम हल्का सा क्रश कर लेंगे, इससे ग्रेवी भी अच्छी बनेगी और समय भी काफ़ी कम लगेगा। प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के लिए इसे फ्राई करने में आधे मिनट तक इसे चलाने के बाद हम इसमें दरदरे पिसे हुए लहसुन अदरक और हरी मिर्च को भी डाल देंगे। मैं अपने सब्जियों में अधिकतर हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहे तो यहाँ लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1-2 बार चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए शिमला मिर्च। शिमला मिर्च यहाँ पे ऑप्शनल है, यदि आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो इसे आप स्किप भी कर सकती हैं। इन सबको डालकर हम इसे अच्छे से पकाएंगे। आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ऑयल भी इससे सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें मसालों को ऐड कर देते हैं। इन मसालों को मैंने पहले ही मिक्स करके रख लिया था। 1-2 बार चलाने के बाद हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर को भी डाल देंगे। अभी मसाला अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है, टमाटर को डालकर हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसमें पकाएंगे। गैस के फ्लेम को हल्का सा लो कर देते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए।
से बने हुए दम आलू को आप रोटी, पूरी, पराठे, चावल, पुलाव किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इस तरह से बना हुआ दम आलू। एक बार आप इस तरह से इसे ट्राई करिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए।